जनता की समस्याओं को लेके नेता का काम होता है, जनप्रतिनिधि काम होता है उसकी समस्याओं के निस्तारण करने के लिए। महामहिम राज्यपाल, महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन देना, जिलाधिकारी के माध्यम से कोई भी आए जनप्रतिनिधि उस समस्याओं का समाधान के लिए ज्ञापन दिए, उसी के द्वारा राजनीतिक विदेशता के कारण ये घटना हुई, उसका अंजाम निर्दोष हम लोगों को भुगतना पड़ा। बांदा सीट से भाजपा के सांसद आरके पटेल, पूर्व सपा विधायक वीर सिंह सहित 18 लोगों को 21 नवंबर को चित्रकूट जिले के सीजेएम कोर्ट ने 13 साल पुराने धरना प्रदर्शन के एक मामले में सजा सुनाई है। बता दें कि 15 लोगों को 1 साल और 3 लोगों को 3 महीने की सजा सुनाई गई है। मामला सितंबर 2009 का है, जब प्रदेश में बसपा की सरकार थी। उस समय सपा ने सरकार की नीतियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था और तब आरके पटेल सपा से सांसद थे। आरके पटेल समेत अन्य लोगों पर आरोप है कि इन लोगों ने पुलिस पर पथराव किए थे, पुतला दहन किया था और प्रदर्शन के दौरान ट्रेन भी रोकी थी। सांसद आरके पटेल के ऊपर ये भी आरोप है कि उनकी ही निगरानी में इस पूरे प्रदर्शन को अंजाम दिया गया था। आज 13 साल बाद इस मामले में सजा सुनाई गई है, तो आइए जानते हैं कि क्या है पूरा मामला। क्षेत्र की बुनियादी समस्याओं को, जनहित की समस्याओं को लेकर अहिंसात्मक तरीके से प्रदेशव्यापी आंदोलन चल रहे थे। ज्ञापन देना राष्ट्र महामहिम राष्ट्रपति के नाम, तो उसमें तमाम समस्याओं को लेकर ज्ञापन देने के लिए पार्टी के लोग और समर्थक क्षेत्र से आए हुए थे। उसी में राजनीतिक विद्वेषता के कारण गलत तरीके से मुकदमा कायम करवाया गया। उस क्षेत्र में कितने लोगों के नाम मुकदमा हुआ? उस समय तो 150 लोग अज्ञात थे और 20 नामजद थे। 20 में एक की मृत्यु हो गई है, 19 बचे थे। 150 लोगों को उनका कोई नाम ही पता नहीं था। पुलिस के द्वारा मनमाने तरीके से जिनका नाम जाने उनका नामनेट कर दिए और बाकी अज्ञात कर दिए। हम लोगों की तरफ से उस घटना में कुछ पार्टी के लोग भी धक्का मुक्की में चुटे हुए थे, उनके खिलाफ़ भी, पुलिस खिलाफ़ भी हम FIR करवाए थे। लेकिन ये सब पुलिस का काम है, पुलिस हमारी FIR को रद्द कर दिया और अपनी FIR को जिंदा रखा। तो मुकदमे कुछ था नहीं, न कोई ऐसी धाराएं थी, न कोई ऐसी घटना थी, न ऐसा कुछ था कि इतनी सज़ा हो सकती थी। ऐसे भी तमाम संगीन अपराध जो अपराधी हैं उनके मुकदमे छूट जाते हैं। यहाँ तो हम लोग कोई अपराध नहीं किए थे, क्योंकि मुकदमा में किसी तरह का हम लोग कोई दोष नहीं था। निर्दोष गलत ढंग से सभी को फंसाया गया था और ऊपर की अदालत पे भरोसा है, वहाँ से न्याय मिलेगा और सभी बाइज्जत बरी होंगे। हमारे यहाँ से चित्रकूट में कौन कौन नाम आए हैं? यहाँ माननीय सांसद जी हैं और उस समय पूर्व विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष हुआ करते थे वीर सिंह जी हैं, नगर पालिका के चेयरमैन नरेंद्र गुप्ता जी हैं और बाकी कई लोग हैं जो पार्टी के वरिष्ठ नेता, जिन्हें सभी जानते थे, सभी पुलिस वाले जानते थे, उन्हीं का नाम वांछित कर दिए थे। हमारे पिताजी माननीय सांसद श्री आर के सिंह पटेल जी समाजवादी पार्टी से उस समय सांसद थे और समाजवादी पार्टी के द्वारा प्रदेश भर में 4 दिवसीय धरना प्रदर्शन, बिजली, पानी और इस तरह के तमाम जनहित के मुद्दों को लेकर के 4 दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया था। भाई जनता के लिए ही चुने गए हैं, जनता के काम के लिए, और जनता उस समय बिजली की समस्या थी, पानी की समस्या थी, ऐसी समस्याओं को लेकर के यदि धरना प्रदर्शन हम लोग करते हैं, मांग करते हैं और उस पर यदि सजाएं होंगी तो कोई भी राजनीतिक व्यक्ति क्यों धरना करेगा, क्यों बैठेगा, क्यों मांग करेगा, कोई मांग ही नहीं करेगा। पुलिस को सुनने के बाद ही यदि सजाए सुना दी जाती है तो गलत है, उसमें पब्लिक की भी राय लेनी चाहिए, जो पब्लिक के गवाह थे उनकी भी सुनी जानी चाहिए थे। उस समय यदि पटेल तिराहे की ये घटना थी तो पटेल तिराहे के पास तमाम वहाँ पर दुकानें थी, लोग उस समय थे, वर्तमान में दुकानें लगाते हैं,
उन दुकानदारों से या वहाँ के लोगों से, उपस्थित लोगों से यदि पूछा जाता तो वो लोग अपना व्यू देते, बताते कि सच्चाई क्या है। वो लोग बताएंगे तो हम यदि गलत है तो हमारे खिलाफ बताएंगे कि इन्होंने पथराव किया, इन्होंने मारपीट की। यदि पुलिस ने किया है तो पुलिस को बताया जाता, तो पक्ष नहीं जाना गया और उस पर कार्रवाई की गई। कौन कौन से धारे लगे हैं, क्या क्या? 323, 147 इस तरह की धाराओं में सजा हुई है। हमने आज तक तो नहीं सुना कि इन धाराओं में 323 तो सबके लगाता है, जो भी लड़ाई झगड़ा मारपीट के तमाम रोज मुकदमे कायम होते हैं, किसी को आज तक नहीं आपने सुना कि सजा हुई है। 323 में सजा हुई है। 149 जो उसमें चार्जशीट में भी 149 में थी नहीं धारा, और बाद में वो जोड़ दी गई, सजा उसमें की गई 149 में। ये सन 2009 में बसपा गवर्नमेंट थी, महंगाई भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ और बसपा की तानाशाही नीतियों के ख़िलाफ़ ये हमारा आंदोलन हुआ था, जिसमें सपा से सांसद माननीय आर के सिंह पटेल जी के नेतृत्व में ये आंदोलन छेड़ा गया था। स्थान था सरदार वल्लभ भाई पटेल तिराहा। उस तिराहे में सभी समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता साथियों ने अपनी न्यायिक मांग को लेकर के महंगाई भ्रष्टाचार तानाशाही शासन इनके खिलाफ़ जो है विधिक शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन किया गया था, जिसमें उस समय माननीय मुख्यमंत्री बहन मायावती जी का वहां से फरमान जारी हुआ था कि इस आंदोलन को फ्लॉप किया जाए और इनको सबको लाठी चार्ज करके, जो ज़िले लेवल के नेता पदाधिकारी हैं, सांसद जी को भी, विशेषकर खास सांसद जी को अपमानित करके और इनको संगीन धाराओं में बंद किया जाए, आंदोलन को फ्लॉप किया जाए। इतने साल तक किए अभी तक नहीं हुआ। देखिए न्याय, देखिए ये न्यायपालिका है, ऐसे केसेस जो हैं न्यायपालिका में बहुत लांग समय खींचते हैं, और अब आया है चुनाव, शासन सत्ता भाजपा की है, न्यायपालिका स्वतंत्र पालिका होती है, कार्यपालिका व्यवस्थापिका इनमें तो शासन प्रशासन का दबाव होता है, न्यायपालिका स्वतंत्र होती है, वो किसी शासन सत्ता के दबाव में नहीं रहती, वो स्वतंत्र होती है, जो उनका डिसीजन होता है वो करती है। केसेस चले हैं सामूहिक में, काफ़ी लोग गए हैं, वो थे, बहुत सारी एविडेंस देना पड़ता है, गवाही देना पड़ता है, जब सारी चीज़ पूरी एक्टिविटीज उन्होंने कर लिया है तभी लास्ट स्टेज में उन्होंने डिसीजन दिया है। ऐसे केसेस जो है लॉन्ग समय तक खींचते हैं। कि कुछ यहाँ पर दबंग लोग हैं जो हमेशा से गरीब तबके को दबाने का, कुचलने का काम करते रहे, तो ऐसे लोग के द्वारा ही सांसद जी लगातार लगभग 30 वर्षों से जनता ने उनको चुनती है और अपना प्यार देती है, उसके बदौलत तो सांसद बनते हैं। इसलिए उनको पसंद नहीं आ रहा तो उनको किसी न किसी से कोई रास्ता, उनको ये है कि इनको सजाएं हो जाए, इनकी सदस्यता चली जाए और ये चुनाव ना लड़ने पाए, उन लोगों का मकसद ये है। वो तो मेरे ऊपर खाली इन्होंने पुतला जलाने का आरोप लगाया, वो भी गलत। तो उस समय धरने में पुतला नहीं जलाया गया? ना, धरने में पुतला जला ही नहीं, ये बता रहे हैं बस अड्डे के पास जला है, बस अड्डे के बाद हम पुतले में थे ही नहीं, इसीलिए साक्ष नहीं थे, इसीलिए हमको एक महीने की इन्होंने साधारण कारोबार की, और उसमें आर के पटेल और इन्होंने जो ट्रेन रोकी थी उसमें 1 साल 3 महीने की सजा की है, जबकि ट्रेन कोई रोकी नहीं गई थी, स्टेशन पे स्वयं रुकी हुई थी। जब पटेल तिराहा में हुआ है तो वो ट्रेन वाला मामला ही कुछ नहीं? नहीं नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कोई ही मामला कुछ नहीं है। यहाँ से जुलूस जा रहा था उस समय, ये ओवर ब्रिज था नहीं, तो उस समय सपा के लाल लाल झंडे थे और जुलूस देख के गाड़ी रुक गई होगी, और सब जब क्रॉस हो गए, चूँकि फाटक बंद हो गया था, लोग कार्यकर्ता नीचे से आके अपना क्रॉसिंग करने लगे, तो लाल झंडे देख के गाड़ी आउटर के बाहर रुक गई थी, वहाँ कोई गए नहीं था।
खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।